ओ भाई ये क्या है यार, सैमसंग पागल हो गया क्या? इतनी जबरदस्त स्पेसिफिकेशन और इतनी ज्यादा स्पेसिफिकेशन, भाई ये स्मार्टफोन आग लगा देगा आपकी जेब को, क्योंकि ये भाई स्मार्टफोन 70,000 से नीचे का नहीं होने वाला। तो यार पिछली वीडियो में मैं सब्सक्राइब का कहना भूल गया था, तो यार मैं हर वीडियो में अपना फनी तरीके से सब्सक्राइब का कहता हूँ, तो चले आज वीडियो में आपको जोक सुनाता हूँ, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। और आज का जोक हम कल पर शिफ्ट करते हैं। यार मजाक की बातें बहुत होगी, यार अब काम की बात करते हैं। भाई अगर बात करूँ सैमसंग A60 की, तो इसके मेन जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो इसका बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा और इसका अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। भाई मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि सैमसंग मिड रेंज में भी कैमरे के मेगापिक्सल खेलेगी, क्योंकि भाई सैमसंग भी अपने A60 में फ्रंट पर 32 मेगापिक्सल का कैमरा आपको दे रही है। अब अगर इससे पहले की बात करूँ तो दुनिया का पहला जो 32 मेगापिक्सल वाला फ्रंट कैमरे वाला मोबाइल फोन है वो है वीवो का V15 Pro। तो भाई सैमसंग दुनिया की दूसरी ऐसी कंपनी बनना चाहती है जो कि अपने मोबाइल फोन में 32 मेगापिक्सल का कैमरा देने को तैयार है। लेकिन भाई चाइनीज कंपनी बहुत तेज है, सैमसंग से पहले ही अपना कोई 32 मेगापिक्सल वाला दूसरा मोबाइल फोन भी लॉन्च कर सकती है। बट भाई ये स्मार्टफोन फिर भी बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको A7 की तरह बैक पर 3 कैमरा लेंस देखने को मिलेंगे। और इन तीनों कैमरा लेंस की बात करूँ तो जो मेन कैमरा लेंस है वो आपको मिलेगा 32 मेगापिक्सल का, और दूसरे जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है वो आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का, और 5 मेगापिक्सल का आपको बैक पर डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। और भाई अगर इस मोबाइल फोन में रैम की बात करूँ तो रैम में आपको 4 GB वाला वेरिएंट कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। इस मोबाइल फोन में आपको 6 GB और 8 GB वाला वेरिएंट दो देखने को मिल जाएंगे 128 GB स्टोरेज के साथ में। भाई इस मोबाइल फोन में आपको डिस्प्ले बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेगा, क्योंकि सैमसंग अपने डिस्प्ले की वजह से ही जाना जाता है। इस मोबाइल फोन में आपको मिलेगा 6.7 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले। और भाई अगर बात करूँ इस डिस्प्ले की तो ये आपको यू शेप नॉच में देखने को मिल जाएगा, जिसे ड्यू ड्रॉप नॉच भी कहा जाता है। और भाई अगर कनेक्टिविटी की बात करूँ तो इसके चार्जिंग कनेक्टिविटी के लिए आपको टाइप सी केबल देखने को मिल जाएगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। भाई 70,000 बनना है और टाइप सी भी ना मिले तो क्या फ़ायदा इस 70,000 का। तो भाई केबल इसलिए दी जाती है कि आप इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी को चार्ज कर लें। तो बैटरी के बारे में तो सुन लो, वीडियो को छोड़ के क्यों जा रहे हो यार। इस मोबाइल फ़ोन में आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, और फास्ट चार्जिंग भी आपको इस मोबाइल फ़ोन में देखने को मिल जाएगी 15 W वाली। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।